कैथल के नागरिक अस्पताल में इलाज के नाम पर मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक महीने से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अस्पताल में खराब हुई CBC मशीन अभी तक ठीक नहीं हुई, जिसके चलते मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कंप्लीट ब्लड काउंट्स की जांच करने वाली मशीन खराब पड़ी है। हीमोग्लोबिन के बाद अगर किसी टेस्ट की सबसे ज्यादा जांच करवाई जाती है तो वह CBC है, लेकिन उसके बावजूद विभाग मशीन को ठीक करवाने की बजाय मरीजों की CBC जांच करवाए बिना ही काम चला रहा है। टेस्ट बंद होने से फिजिशियन ने मरीजों को सलाह तक देना बंद कर दिया है। वे भी सिर्फ हीमोग्लोबिन लिख देते हैं ताकि मरीजों को जांच के लिए बाहर ना भटकना पड़े। उसके बाद अंदाजे से लक्षणों के आधार पर ही दवाइयां लिखी जा रही हैं। वहीं इस मामले में जब कैथल की सिविल सर्जन से बात की गई, तो उन्होंने इस गलती को मानने से भी इनकार कर दिया। मशीन के खराब होने के मामले पर लीपा पोथी करती हुई नजर आई। CBC की मशीन की प्रॉब्लम आई है, पिछले दिनों प्रॉब्लम आई है, लेकिन उसकी जगह वो मैनुअल बैकअप दे गए थे। और इसमें जो टेस्ट होता है हीमोग्लोबिन, TLC, DLC, प्लेटलेट, वो हमारे LTs मैनुअल तरीके से कर रहे हैं, इसलिए पेशेंट्स को प्रॉब्लम नहीं आ रही। लेकिन मेरी अभी भी बात हुई है, मेल भी हो गया है, वो होपफुली आज या कल में ही ठीक हो जाएगी, क्योंकि उसमें ये रहता है कि समय बचता है, अदरवाइज जो टेस्ट है वो मैनुअल हो रहा है। तो बिना रिपोर्ट, बिना टेस्टिंग के डॉक्टर दवाई भी दे रहे थे? नहीं, टेस्ट हो रहा है, क्योंकि इसमें जो प्लेटलेट करने होते हैं वो दो तरीकों से होते हैं, एक मशीन के थ्रू, एक मैनुअल तरीके से। तो मैनुअल तरीके में टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन हमारे LTs मैनुअल तरीके से करके जिसको प्लेटलेट टेस्ट की जरूरत है वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि टेस्ट बंद हुआ है। तो क्या कुछ लिखित में दिया गया आपके द्वारा ठीक करवाने के लिए, किसमें दिया गया? लिखित में जिस कंपनी के ये लगाई गई है, जहाँ से ये हुआ था, उसकी AMC CMC हुई है और वो करने के लिए आज ही आ रहे हैं। तो कैसे खराब हुई मशीन, कितना टाइम हो चुका खराब हुई? मशीन बीच में खराब हुई थी, फिर उसके इंजीनियर आए, दो दिन में ही वो ठीक कर गए थे। उसके बाद वो एक महीना चली, उसके बाद फिर प्रॉब्लम आई और अब जो है 3-4 दिन से दिक्कत है, लेकिन मैनुअल तरीके से रिपोर्ट मिल रही है। रिपोर्ट ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट नहीं मिल रही, जो प्रिंटेड रिपोर्ट होती है वो नहीं है। वहीं इस मामले को लेकर जब कैथल उपायुक्त प्रदीप दहिया से बात की गई, तो उन्होंने जल्द मशीन ठीक करवाने का आश्वासन दिया। साथ ही कहा कि अगर मशीन ठीक करवाने के लिए कोई फंड की जरूरत होगी तो वह उपलब्ध करवाया जाएगा। देखिए विपिन जी, जो आपने ये बात हमारे संज्ञान में लाई है, CBC मशीन काफ़ी टाइम से ख़राब है, इससे क्या है कि आम जनों पे भी बोझ पड़ता है, उनको बाहर से टेस्ट कराने पड़ते हैं। तो इसको लेके अभी CMO साहब से बात करूँगा मैं और इसको ठीक कराया जाएगा। अगर कोई अप्रूवल की जरूरत होगी तो हेडक्वार्टर से भी बात करके हम इसका समाधान करेंगे। बहरहाल अस्पताल में ये हाल तब है जब OPD में 50% से ज़्यादा मरीज बुखार, खांसी और जुकाम से पीड़ित पहुँच रहे हैं। इन बीमारियों का कारण सामान्य इन्फेक्शन है या कुछ और, इसका पता लगाने के लिए डॉक्टर सबसे पहले CBC कराने की सलाह करता है। लेकिन अस्पताल में जब CBC मशीन ही खराब है तो मरीज बेचारे क्या ही कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV।